हरियाणा के मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य एवं आपूर्ति, खनन, गृह, HSIIDC, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और सिंचाई विभाग को अपनी प्रगति में सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि बिजनेस रिफॉर्म के लिए सभी संबंधित विभाग आपसी तालमेल के साथ कार्य करें व सभी सेवाओं को ऑनलाइन माध्यम से निर्धारित समय सीमा में दिया जाना सुनिश्चित करें। इसके लिए सभी विभाग अपनी लंबित सेवाओं को राइट टू सर्विस के तहत अधिसूचित करें। उन्होंने प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए कि व्यक्तिगत रूप से सुधार कार्य योजना के लिए किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा करें। बैठक में स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान की सभी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने संबंधित कार्यों को बैठक में स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन पॉइंट्स पर सुधार की आवश्यकता है उसे 7 दिन के अंदर अंदर पूरा किया जाए। बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के तहत जिला स्तर पर 213 बिंदुओं को तथा राज्य स्तर पर 301 बिंदुओं को कार्यान्वित किया जाना है। राज्य स्तर पर बिजनेस रिफॉर्म एक्शन पॉइंट का 62% और जिला स्तर पर 52% कार्यान्वयन हो चुका है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।